नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों की। संभल जिले के चंदौसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतीश प्रेमी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो टिकट के लिए अय्याशी के साधन और रकम नहीं जुटा सके, इसीलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। आदरणीय क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सतीश प्रेमी, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त, इस उम्मीद के साथ था कि समाजवादी पार्टी में रहकर ईमानदारी से काम किया, लेकिन मैं चाहता था कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के एक बार सेवा कर सकूं, आपका बेटा बनके, दोस्त बनके, साथी बनके। लेकिन जिस पार्टी में मैं ईमानदारी से रहा, वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर न तो पैसा कमाया, न अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा करता हूं, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था, लेकिन मैं आज फेल हो गया। मैंने कभी जाति और धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं आपके दुख सुख में साथ हो सकूं, आपको अपने दुख सुख का साथी बना सकूं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ अखिलेश यादव जी के साथ एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहा, वहां पैसे की कदर थी, वहां संसाधनों की, ऐसी संसाधनों की कदर थी, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये अपनी किस्मत को कोसते हुए कि आज मेरे पास आप क्षेत्र के बुजुर्गों के अलावा, नौजवान साथियों के अलावा कोई नहीं है, ना मां ना बाप, लेकिन ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सबसे पहले कटरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वीर विक्रम सिंह ने अपना नामांकन कराया। उसके बाद सदर विधानसभा से तनवीर खान ने, पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद और तिलहर विधानसभा से विधायक रोशन लाल वर्मा के साथ साथ अपना नामांकन कराया। वहीं पुवैया विधानसभा से अनुज कुमारी ने भी अपना नामांकन कांग्रेस की ओर से कराया। कटरा विधानसभा से पूर्व विधायक राजेश यादव ने भी अपना नामांकन कराया। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी कटरा विधानसभा के अंतर्गत इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना हमारे कार्यकाल में हुआ। हमारे क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, हमारे क्षेत्र में 2 राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हुई, हमारे क्षेत्र में 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई। बिजली की व्यवस्था पूर्णतया जर्जर थी, उसको ठीक करने के लिए हमारे क्षेत्र में कटरा फीडर की क्षमता वृद्धि हुई, जयंतीपुर फीडर की क्षमता वृद्धि हुई, मदनापुर फीडर की क्षमता वृद्धि हुई, देवराज फीडर की क्षमता वृद्धि हुई, और अकवरिया में नया 33 केवीए का उपकेंद्र बनकर मैंने उद्घाटन भी किया। 2 33 केवीए के उपकेंद्र हमारे यहाँ पर स्वीकृत हुए, चाहे वो परौर का हो, चाहे वो सुनौरा रामपुरा का हो। आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 7 बड़े पुलों का निर्माण हुआ, चाहे वो मड़ई घाट का हो, चाहे वो छतरापुर बमियाना घाट का हो, चाहे वो आपके नवादा दरोबस का हो, चाहे पच्चड़ का हो, पच्चड़ घाट का हो, चाहे वो आपके हैदरपुर घाट का हो, चाहे वो बोझी घाट का हो, चाहे पिपरथरा का हो, ऐसे तमाम पुलों का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी हुई है सरकार, तो विकास के नाम पे तो शून्य है, और विकास के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी और लोगों को बहकाना, भाईचारा खत्म करना, ये मुद्दा रहता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन विकास अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक किया है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है मुख्यमंत्री काल में अपने, वो सबको दिखता है। और आज पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि इस बार 2022 में हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जनपद शाहजहांपुर में इतिहास रचेगा, 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। मेरा आकलन है कम से कम 25,000 वोटों से तनवीर भाई को जीतना है। यहाँ से जिस तरीके का माहौल आज दिखाई दिया, पब्लिक में उत्साह दिखाई दिया,
अब वो आकलन थोड़ा डगमगा रहा है, वो हो सकता है 50,000 वोट तक पहुंच जाए। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ के मंत्री रहे, इतने साल से विधायक हैं और एक सपना देखे हुए, वो सपना तो उनका टूटने जा ही रहा है इस बार। मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें यूपी टीईटी की परीक्षा के सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस ने 10 लोगों को यहां से गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से 1.5 लाख रुपए के साथ साथ और भी कई सामान बरामद किया है। जैसा कि आपको अवगत है कि कल उत्तर प्रदेश में टीईटी का एग्जाम कंडक्ट किया गया था और इसकी गंभीरता को समझते हुए और इसको सुचितापूर्वक इसको करवाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार सुबह से ही अपनी ड्यूटियों पर इसको मॉनिटर कर रहे थे। कोई भी ऐसे अनफेयर मींस के बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। इसी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एग्ज़ाम सॉल्वर गैंग मथुरा में आकर के और पहली पाली का जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है, इस सूचना को डेवलप करते हुए सीओ सिटी की अध्यक्षता में एक व्यापक टीम इसमें लगाई गई। इस टीम ने सूचना एकत्रित की, जानकारियाँ प्राप्त की और इस पूरे गैंग के अल्टीमेटली 10 मेंबर्स को अरेस्ट किया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। दुकान में अचानक आग लगने से पड़ोसियों ने दुकानदारों को सूचित किया, जिसके बाद पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से बैंड और ऑटोमोबाइल की दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सबसे खत्म हो गया सब कुछ, ड्रेस खत्म हो गई, सारी बाजे खत्म हो गए, एक काउंटर खत्म हो गया, एक तकर खत्म हो गया, 6 कुर्सी थी प्लास्टिक की, एक कुर्सी स्टैंड कुर्सी सब खत्म हो गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपी टीवी, सबसे पहले भारत।